नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मैं इस वक्त कैथल के सीवन बाईपास पर खड़ा हूं और मेरे पीछे ये डायल 112 हेल्पलाइन जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, और इसके शुरू होने से हरियाणा पुलिस ऐसा कह सकते हैं कि हाईटेक हो चुकी है। तो क्या क्या इक्विपमेंट पुलिस को दिए गए हैं और पुलिस को किस तरह से हाईटेक हुई है, ये जानने वाली बात होगी। तो हमारे जिज्ञासा के लिए, साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा के लिए जानने के लिए चलते हैं। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर। एक बार बताओ, मेरे साथ सुखविंदर जी हैं, उनसे एक बार बात करता हूँ। मैं उस साइड को चलते हैं थोड़ा सा। ये डायल 112 का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, जो डायल, सुखविंदर जी सबसे पहले शुभकामनाएं हरियाणा पुलिस को, इतना हाईटेक बनाया गया है। थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार बताइए कि किस तरह से ऑपरेट करता है आपका सिस्टम ये पूरा? इवेंट आता है, ये PFT लगी हुई है यहाँ, इस पर इवेंट आता है। कोई भी इवेंट आएगा तो इस पर साथ ही साथ रूट बन जाएगा, मतलब लोकेशन आ जाएगी उस जगह की। हाँ, मतलब 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे पहुँच जाती है पुलिस। 10 से 15 आपके पास कॉल आती है? कॉल भी आती है और इस पर मैसेज आता है, मैसेज भी आता विद लोकेशन। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप उस लोकेशन पे चले जाते हो, और अपने डील करने का किस तरह से रहता है फिर प्रोसेस? डील तो आगे, पहले तो देखो जो हम डील करते हैं अपनी तरफ से जितना होता है, फिर अगर आईओ की जरूरत है तो थाने से आईओ आता है। अच्छा अच्छा। जिस भी एरिया का थाना लगता है वो। आपकी ड्यूटी कितने टाइम तक की रहती है? 12 घंटे है। 12 घंटे, और 12 घंटे में लंच ब्रेक वगैरह? हाँ है, लंच भी है, 40 मिनट का लंच है, टी वगैरह है 20 मिनट। अच्छा अच्छा। इस GPS के अलावा और कौन से इक्विपमेंट है? जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये कैमरा है, फ्रंट कैमरा। ये कैमरा है? हाँ, गाड़ी जाती है ना आगे, साथ के साथ रिकॉर्ड होता है। अच्छा। हाँ, जो लोकेशन वगैरह? हाँ, सब ठीक है। कुछ और डिटेल इसमें जो हाईटेक जिस तरह से हरियाणा पुलिस को किया गया है वो अगर आप बता सकें तो? वो और इक्विपमेंट मैं गाड़ी में देख रहा हूँ, जैसे जो नीचे का जो इक्विपमेंट है ये तो वॉकी टॉकी सेट है, वायरलेस सेट है, PFT है, एक मोबाइल है और भी है पीछे, मतलब कई सारी चीजें हैं, स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ। ठीक है, ठीक है। कैथल को तकरीबन कितनी गाड़ियां मिली हैं ऐसी? 22 है जी। 22 गाड़ियां मिली हैं, और 22 में कितने शहर में कितने इसके लिए वर्क कर रहे हैं? नहीं, हर जितने भी थाने, नहीं हर थाने के 2 गाड़ियां हैं, हर थाने के लिए 2 गाड़ियां हैं। और ऑपरेटिंग पर्सन कितने हैं एक गाड़ी के लिए? 6 हैं, 6 12 घंटे की 2 शिफ्ट है, मतलब 3 बंदे हैं एक शिफ्ट में। ठीक है, ठीक है। अभी तक कितने कवर किए हैं? अब तक कितने हो चुके हैं कैथल कैथल में यार? क्या चीज़ कितने केस हैंडल हो चुके हैं? केस हर गड्डी में हो तो 5-7 भी आ जाए, 10 भी आ जाए डेली। अच्छा। कभी कभी 1-2 भी आए, ना भी आए, डिपेंड करता है। डील करने का आमतौर पर पुलिस का नेचर जो है हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन डायल 112 के आने से जो नेचर है पुलिस का वो किस तरह से आप, मतलब सॉफ्टली हैंडल करते हो या डीलिंग का तरीका? नहीं, सॉफ्टली है, बिल्कुल प्यार से। हाँ, अच्छा। पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केसेस किस तरह के देखने में आ रहे हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से या? नहीं, केसेस तो वही हैं, आम रूटीन के ही हैं, जो अगर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं जैसे पहले 100 नंबर था कंट्रोल में कॉल करता था किसी को कोई दिक्कत है, अब 112 पे है बस। अब 112 है, 100 नंबर भी अपना काम कर रहा है लेकिन 112 अपना एक ही नंबर है। एक मतलब 100 नंबर डायल करोगे ना आप, वो ऑटोमेटिक 112 पे ही मिलता है। अच्छा। थोड़े दिन के लिए फैसिलिटी है, पब्लिक को तब तक पता नहीं चल रहा। किसी तरह कोई दिक्कतें आ रही हो आपके सामने इस चीज़ को? नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे कि 112 पे कॉल करते समय किन बातों का खासकर ध्यान रखें? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो तभी करे कॉल, हूँ बेमतलब तो। अच्छा अच्छा। ऐसा भी हुआ कि किसी ने बेमतलब कॉल की हो? हो जाता है कई बार, एक आधी बार हो जाता है ऐसे। अच्छा। भी हो जाता है जो कोई शराब पी रहा है, उसका पति पी रहा है, उसका जेठ पी रहा है, वो हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ से शराब भी उठाने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, फिर हम अपने थाने से फ़ोन करेंगे, वहाँ पर आईओ आएगा, उसको डील करेगा उसको, फिर हम यहाँ पर उसको डील करने के बाद हम यहाँ पर मैसेज भेजेंगे वापस वहाँ पंचकूला, वो पंचकूला से कॉल आएगी वहाँ, फिर हम अदर करेंगे, अदर के उसके बाद हम मैसेज को क्लोज कर देते हैं। ये है। तो पब्लिक से बिल्कुल अपील रहेगी कि अगर कोई वजह है वाकई में तभी कॉल करें, अन्यथा कॉल ना करें। हाँ, ये कोई शारीरिक संबंध को है तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेल्प की जरूरत है तो तभी फ़ोन करें, वैसे तो बेमतलब का तो हमारा भी टाइम खराब है, मतलब क्या पता उसकी जगह कोई दूसरा और प्रॉब्लम में हो, अब उसमें बेमतलब में कहीं जाएंगे। अच्छा। तो इन चीज़ों का फर्क है थोड़ा। अच्छा। पब्लिक ध्यान रखें। हाँ, शुक्रिया जी। तो ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की हरियाणा पुलिस के जवान सुखविंदर ने, और आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस जिस तरह से हाईटेक हो रही है, तो ये आम पब्लिक से भी ये अपील है
कि अगर आपके पास कोई वजह है, आप तकलीफ में हैं, तभी डायल 112 का प्रयोग करें, अन्यथा बेमतलब तंग भी ना करें, क्योंकि इनकी भी अपनी ड्यूटी है, 12-12 घंटे ये भी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।